प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बही खाता और लेखाकरण। ये एक बड़ा बुक का नाम है, बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें हम कुछ विभिन्न टॉपिक्स आज स्टार्ट करेंगे, तो एक एक करके मैं आपको जितने भी टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उनकी पूरी सूची दिखाता हूँ कि हमारे आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं नंबर वन पे लेखांकन की आवश्यकताएं, नीड फॉर अकाउंटिंग, लेखांकन की आवश्यकता क्या है। उसके बाद में हम लेते हैं सेकंड पॉइंट, लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। नंबर थर्ड हम लेंगे लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट हम लेंगे लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उद्देश्यों को देखेंगे। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा लेखांकन के कार्य, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद में छठा पॉइंट जो आज हम देखने वाले हैं वो होगा टाइप एंड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कितनी तरह की होती हैं वो हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद में हमारे पास सेवंथ पॉइंट है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन इन इन्फॉर्मेशन को यूज करता है, या हम इसे कह सकते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद में एट्थ पॉइंट हम लेंगे लेखांकन के लाभ, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद में हम नेक्स्ट ले रहे हैं और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, वो होगा लेखांकन की कमियां या सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या क्या कमियां हैं। आप देखो ये जितने भी टॉपिक हैं ये हर प्रथम बार जो अकाउंटिंग पढ़ रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अकाउंटिंग को जानना, लेखांकन को जानना। तो आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम सारे टॉपिक लेंगे। चले स्टार्ट करते हैं प्रथम टॉपिक से। प्रथम टॉपिक जो आज हम देख रहे हैं वो है आपका लेखांकन की आवश्यकताएं, नीड फॉर अकाउंटिंग। अब आप देखें ये टॉपिक अपने आप में हमें ये बता रहा है कि हम अकाउंट को क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं, क्यों हमारे लिए उपयोगी होता है। तो नीड फॉर अकाउंटिंग हम देखेंगे। इसको हम समझने के लिए हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बिजनेस, जैसा कि हर व्यक्ति जानता है, ऑब्वियस है, हर व्यक्ति जो आज इस स्तर पर है जो अकाउंटिंग को पढ़ रहा है उसको ये बात पता है कि बिजनेस क्या होता है, तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम ये देखते हैं कि जो बिजनेसमैन होता है, जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है। क्या इन्वेस्ट करता है? अपनी मनी और वेल्थ को, अपने पैसे को जो उसके पास कैश या नकद के रूप में होता है, और वेल्थ यानी उसके पास जो एसेट्स अवेलेबल है, जैसे मान लो उसके पास कोई बिल्डिंग है या जैसे उसके पास कोई दुकान है तो उसको वो यूज करता है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है किसे, अपनी मनी और वेल्थ को, और इन्वेस्ट करके वो स्टार्ट करता है बिजनेस को। ये बात आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दो अलग अलग राय भी नहीं होंगी, आसान है। लेकिन इस व्यवसाय को जब वो स्टार्ट करता है तो उसके ऑब्जेक्टिव भी तो होंगे, और वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, देखिए एक ही करके, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एक व्यवसायी का होता है लाभ या हानि ज्ञात करना, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करना। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये जानना चाहता है उसके पास कैपिटल कितनी है, उसके पास लाइबिलिटीज कितनी है। कैपिटल यानी जिसको हम पूंजी कहते हैं, और लाइबिलिटी यानी जिसे हम दायित्व कहते हैं, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है जो हमें पे करनी है, और मेरी खुद की कैपिटल यानी मैंने जो पैसा अपने बिजनेस में लगाया वो कितना है, ये भी जानना चाहता है। और एक पार्ट वो और जानना चाहता है, वो है आपका एसेट्स, उसके पास कितनी एसेट्स है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, लाभ हानि जानना, कैपिटल और लाइबिलिटी जानना, और एसेट्स जानना। तो ये सारी जानकारी उसको कौन देगा, प्रश्न यही है और यही हल है। नीड फॉर अकाउंटिंग का मतलब है कि एक व्यवसायी अपने लाभ हानि की जानकारी यदि चाहता है तो उसे अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम ये बात जानते हैं कि एक व्यक्ति की जो मेमोरी होती है
वो इतनी बड़ी नहीं होती है कि एक साल का पूरा डिटेल वो निकाल के जानकारी कर ले और उसका लाभ हानि ज्ञात कर ले, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है तो अकाउंटिंग की नीड स्वतः ही उत्पन्न होती जाती है। तो हमारा, अगर आपसे कोई पूछे कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बिजनेसमैन अपना जो पैसा लगाता है उसका रिजल्ट जानना चाहता है, प्रॉफिट और लॉस के रूप में, कि उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जानकारी चाहता है और इसके लिए वो अकाउंट बनाता है। ये इसकी बेसिक नीड है। उसके अलावा बहुत सारी नीड्स उसके पार्ट हैं कि नीड में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। नीड में निश्चित रूप से उसके, जैसे एक बड़ा बिजनेस होता है, बिजनेस आप लोग जानते हैं तीन तरह के बिजनेस होते हैं, एकल व्यवसाय होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है और कंपनी। तो तीन तरीके से बिजनेस होता है, तो हर एक के अपने लीगल बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सबको पूरा करना होता है, टैक्स लाइबिलिटीज़ को पूरा करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को जानना होता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको भी बताना होता है कि हमारा कितना है। और इवन आप बैंक से लोन लेने के लिए भी जाओगे तो वो कहेंगे आप अपने अकाउंट्स लेके आओ। आप देखेंगे सारी बातें हमें कौन देगा, अगर हम अकाउंट में कुछ लिखेंगे ही नहीं तो ऑब्वियस है हमें कोई भी लोन नहीं देने वाला है। और यही चीज़ हमें बताती है कि नीड फॉर अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि एक व्यवसायी के लिए अपने बिजनेस का लेखा जोखा रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। ये पार्ट है नीड फॉर अकाउंटिंग। देखिए, अब जो हमें ये पता चल गया कि ये सारी सूचनाएं जानकारी करनी है, तो उसके लिए बिजनेसमैन क्या करता है, वो क्या करता है, देखिए मैं आपको आगे स्क्रीन को लेता हूं। इन सभी जानकारियों के लिए, सूचनाओं को जानने के लिए वह क्या रखता है, रिकॉर्ड्स। वह अपने बिजनेस में रिकॉर्ड रखता है, अभिलेखन करता है, अलग अलग छोटी से छोटी बात को वो लिखता है। और वो क्या लिखता है, उसके रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, ये क्वेश्चन मार्क मैंने यहां लगाया, क्या रिकॉर्ड करता है, तो वो भी देखिए रिकॉर्ड में क्या क्या रिकॉर्ड्स करता है, एक एक करके सारी बातें हमारे सामने आ जाएंगी। रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक जो ट्रांजेक्शन है, व्यवहार बोलते हैं, व्यवहार का मतलब होता है लेना देना, आना जाना, पैसा खर्च करना, पैसा प्राप्त करना, ये सारी चीजें, तो जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उन सबको वो लिखता है, है ना। और वो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उनको ये लिखता है। तो अब आप देखिए वो क्या क्या लिखता है, क्योंकि हमने कहा कि अगर वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो उसे रिकॉर्ड्स बनाने होंगे, और रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो उन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे लिखने से है, किसी चीज़ को हम नोट करके रख लेते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं कीप इन रिकॉर्ड्स, यानी लिख के रख लो। तो ये अपने रिकॉर्ड्स में हम क्या क्या रखेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो जितने भी खर्चे उसने किए, जो भी उसे खर्चा हुआ, हानियां हुई, उन सबको लिखता है। नंबर दो, इनकम एंड गेन्स, उसको जो भी इनकम हुई, आय प्राप्त हुई, ऑब्वियसली जब खर्चे हैं तो इनकम भी है तो उनको लिखता है, और गेन्स अगर उसको कोई लाभ हुआ है तो वो उसको लिखता है। थर्ड पॉइंट हमने कहा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स को भी लिखता है, जितनी भी उसके पास एसेट्स हैं। एसेट्स में आप देखें, हमारे पास एसेट्स में बिजनेस में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी होता है, कार होती है, फर्नीचर्स होते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स होता है, स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, ये सारे एसेट्स हैं। हम इन सब शब्दों पे भी बात करेंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये शब्द न समझ में आए, लेकिन चिंता नहीं करना, ये हम टर्मिनोलॉजी जो अकाउंटिंग की है उस पर भी आएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि इस पार्ट में हम अभी अकाउंटिंग को समझ रहे हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी को उसके बाद में हम जानेंगे, तो ये अपना नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम देखेंगे। उसके बाद में हमारे सामने आता है टैक्स इन्फॉर्मेशन, हमारे एक बिजनेस में टैक्स की इन्फॉर्मेशन। अब टैक्स में जनरली GST है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, इनकी जानकारी भी रखनी होती है, लिखना होता है। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसकी लागत कितनी आई, वो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन उसको रखनी होती है। सिक्स्थ पॉइंट लिया हमने परचेज एंड सेल्स, उसका टोटल कितना परचेज है, उसका कितना सेल्स है, उसको भी लिखना होता है। और स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, उसको भी लिखना होता है कि उसके पास आज की डेट में कितना स्टॉक है, एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत मेन मेन बातें सिर्फ इसके अंतर्गत लिया है ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचा दूं कि देखो रिकॉर्ड्स में वो सब कुछ लिखता है, जितने भी उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो कुछ भी पैसा, पैसे का लेन देन होता है, उन सबको वो लिखता है। और ये सब लिखने से
वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने से वो क्या कर पाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में जान पाता है। और यही अकाउंटिंग की नीड है, नीड फॉर अकाउंटिंग, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे यदि कोई पूछेगा कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है, तो निश्चित रूप से आप मेरी सुनी हुई बातों को अच्छे से याद रख के निश्चित रूप से बता पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। सेकेंड टॉपिक जो हम आज देख रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का अर्थ क्या है, इसको हम एक डेफिनेशन के बेस पे लेते हैं, तो उस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, उसमें सारी बातें आ जाएंगी ऐसा मैं समझता हूँ। तो हमने जो डेफिनेशन ली है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इनकी एक डेफिनेशन दी है इसके बारे में। वो क्या लिखते हैं अकाउंटिंग के बारे में, वो लिखते हैं लेखांकन व्यवसाय के, बिजनेस के लेखे यानी रिकॉर्ड्स एवं घटनाओं को जो पूर्णतः होली आंशिक यानी पार्शली रूप से वित्तीय प्रकृति की हों, जिसका फाइनेंशियल नेचर होते हैं, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखना, वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन करना, और उसके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करना है। तो आप देखें इसमें कुछ जो सिस्टम थे, बातें थी, उन पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। लेखांकन में किया क्या जाता है, घटनाओं को लिखा जाता है, पूर्णतः और आंशिक हो सकती है, वित्तीय प्रकृति की होती है, फाइनेंशियल नेचर की होती है। फाइनेंशियल नेचर का बहुत सीधा सीधा मतलब प्यारे बच्चों होता है कि जिसमें पैसे से रिलेटेड कोई बात हो वो लिखी जाती है केवल। उसके बाद में क्या करते हैं, लिखना, ठीक है, यानी रिकॉर्ड रखना, क्लासिफिकेशन, अलग अलग लिखने के बाद में अलग अलग सेगमेंट बताना। देखो अलग अलग सेगमेंटेशन क्या होता है, वर्गीकृत करने का मतलब होता है, जैसे खर्चों की सारी हेड्स अलग लिखो, इनकम को अलग लिखो, एसेट्स को अलग लिखो, लाइबिलिटीज़ को अलग लिखो, तो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं ना, वो वर्गीकृत करना कहलाता है। और उसके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करना, उसके रिजल्ट ज्ञात करना कि जो हमने लिखा उसके रिजल्ट्स क्या आए, वहाँ तक पहुँचना है। ये सारी जो मेथड है, विधि है, वो आपके अकाउंटिंग कहलाती है। अब इसी जो डेफिनेशन है उसको इंग्लिश में भी देखते हैं, क्योंकि देखो अकाउंट में दोनों लैंग्वेज पे आपको अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि उसके बहुत कॉमन वर्ड हैं। देखें स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट, सबसे पहले ऐसे अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आर्ट एंड साइंस दोनों ही होते हैं, लेकिन फिलहाल इस डेफिनेशन में जो लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहला काम उसका है रिकॉर्डिंग, लिखना, क्लासिफाइंग, पहले लिखोगे फिर उसको अलग अलग भागों में बांटोगे, क्लासिफाइंग, वर्गीकृत करना, एंड समराइजिंग मैनर, और समराइजिंग मतलब उसको सार गर्भित रूप से लिखना, समराइजिंग का मतलब ये है, एंड इन टर्म ऑफ मनी, पैसे के रूप में लिखना, है ना। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर, जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स जो होते हैं, ट्रांजेक्शन लेन देन और इवेंट्स मतलब जो घटनाएं घटित होती हैं फाइनेंशियल नेचर की, उनको लिखा जाता है। इन पार्ट और लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, जिसके वित्तीय प्रभाव या आवश्यकताएं होती हैं, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उसका रिजल्ट निकालना। तो ये जो डेफिनेशन है वो AICPA ने दी, इसकी फुल फॉर्म वही है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। वही बात है, आप इस डेफिनेशन को कैसे देखते हैं, मैं तो बहुत सिंपल, इस डेफिनेशन को अगर याद करना हो तो मुझे शब्द जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो देखें, आर्ट है किसकी, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफिकेशन की और समराइजिंग की। पहले आप रिकॉर्ड मेंटेन करो, फिर उसको अलग अलग हिस्सों में बांटो, और जितने भी आए उसको समराइज करो, क्योंकि देखो अकाउंट समराइज नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा। एक साल की सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप लिखते हो तो उसकी समरी तो बनानी पड़ेगी ना, वरना पूरे पूरे जो पूरी पूरी बुक्स होती है उसको कौन पढ़ेगा, अकाउंट्स की जितनी भी डिटेल्स होती है उसको नहीं पढ़ता, इसलिए समराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें लिखा क्या जाता है, मनी मैटर्स लिखे जाते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होते हैं जो मनी बेस्ड होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। फाइनेंशियल जो कैरेक्टर्स हैं, आप देखें इसमें लिखा है हमने फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो वित्तीय तरीके के, अब प्रश्न आते हैं सर फाइनेंशियल के अलावा, जैसे स्ट्राइक हो गई तो स्ट्राइक को अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अकाउंट सिर्फ फाइनेंशियल पार्ट को लिखता है। हाँ लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, इसको तो जरूर लिखा जा सकता है,
लेकिन स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक में कितने लोग थे, क्या थी, ये चीज़ें वो इसमें नहीं लिखता है। तो वो कहते हैं फाइनेंशियल नेचर की बातें उसमें लिखी जाती हैं एंड उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, इंटरप्रेट करते हैं किसके रिजल्ट को। तो ये डेफिनेशन दी। तो आप लोग भी यदि आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो आप इन सारी बातों को जोड़कर जो बोलेंगे वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो जाएगी, जिसमें आपको मुख्य शब्द क्या याद रखना है, आर्ट है, दूसरा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, तीन शब्द हुए, और इंटरप्रिटेशन करना और उसकी इंटरप्रेट करके प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताना, रिजल्ट्स जिसको हम बोलते हैं, और ये फाइनेंशियल नेचर को लिखता है। ये पांच बातें आप आगे पीछे इधर उधर कैसे भी जोड़ के लिखेंगे तो वो उसकी पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये आपके अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। अब आप देखें, मैं आपको एक बार इसके जितने भी जो इसमें मेन मेन पार्ट्स है डेफिनेशन पे, उन पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन, इस ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखी उसमें क्या क्या बातें आई, देखो वही चीज मैं वापस बताऊंगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगी कि इसको कैसे हम करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमने लिया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, व्यवहार और घटनाएं फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। तो जो कुछ भी हम इवेंट, मतलब यहाँ पे इवेंट्स घटनाएं की बहुत सारी घटनाएं होती है ना, मैंने अभी बात की थी फाइनेंशियल के अलावा भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कोई दुर्घटना का घटित हो जाना, स्ट्राइक हो जाना, मशीन का खराब हो जाना, ये सारी बातें हैं लेकिन ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट होता है फाइनेंशियल नेचर की जो बातें होती हैं उनको लिखा जाए, मनी मैटर्स को लिखा जाए, या जो भी उस हमारे सामने हुआ उसका फाइनेंशियल पार्ट क्या है, केवल वो ही ये लिखता है। तो कई बार हम विद्यार्थियों को ये कहते हैं कि देखो अकाउंट एक हिस्ट्री है, कौन सी हिस्ट्री है, पैसे से संबंधित सारी हिस्ट्री। आज मान लो आपको 50 साल पहले के कोई कॉपी मिले जिसमें अपने दादाजी ने, परदादाजी ने अपने सारे खर्चे और एक्सपेंडिचर लिखे हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको स्टडी करके उस समय आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। अगर उसका आंसर हाँ है तो देखो ये आपने क्या पढ़ा, आपने फाइनेंशियल हिस्ट्री पढ़ी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सबसे पहला पार्ट हुआ फाइनेंशियल नेचर, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को लिखा जाता है किसके, फाइनेंशियल नेचर के। उसके बाद में आता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हम उसका लेखा रखें, अभिलेखन करें, लिखा जाना। सबसे पहला काम यह, जो भी घटना हुआ उसका फाइनेंशियल नेचर सेलेक्ट कर लो, फाइनेंशियल नेचर होने के बाद में उसको रिकॉर्ड करो यानी उसे लिखें। तो लिखते समय जो जर्नल हम बनाते हैं, है ना, तो जर्नल जो होती है जिसमें हम सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं, ये क्या है, उस पर हम और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पर ये हमें लिखते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, रिकॉर्डिंग, जिसको हम आपसे कोई पूछे रिकॉर्डिंग में क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग में जर्नल बनाई जाती है, सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम लेज़र बनाते हैं, लेज़र मतलब बहुत सारे अकाउंट्स बनाना, तो ये भी एक पार्ट है। तो क्लासिफिकेशन जितनी भी चीज़ें हमने लिखी उसको अलग अलग अकाउंट्स में हम उसको बांट देंगे, ये क्लासिफिकेशन होता है। समराइजिंग में हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ें हम बनाते हैं, है ना, कौन कौन सी, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ें हम इसमें आपके बनाते हैं। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरप्रिटेशन, फाइनली आप रिजल्ट निकालते हो, आप अपने बिजनेस के बारे में पूरे साल में आपने क्या किया उसको निकाल लेते हो। तो ये आप देखें, मैंने आपके सामने उन्हीं पांचों बातों को जो मैंने कहा, अगर आप इन पांच बातों को मिला देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी क्या होगा, उसकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। देखें आगे।